2025 के एशिया कप का आयोजन भारतीय धरती पर होने वाला है, लेकिन इससे पहले एक खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली इस एशिया कप में नहीं खेलेंगे। 2025 का एशिया कप खेलने के लिए नई टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है। और अब इस खबर के बारे में अगर आगे बात करें, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब अगर सबसे पहले बात करें भारत के दो प्रमुख सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, तो इन दोनों खिलाड़ियों ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद में संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और अब इसके बाद ये तीनों खिलाड़ी 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें 2025 में होने वाले एशिया कप के बारे में, तो ये तीनों खिलाड़ी एशिया कप में नहीं खेल सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि 2025 का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है और उसकी तैयारियों के लिए 2025 में एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में होगा, जिसके चलते ये तीनों खिलाड़ी इस T20 एशिया कप में शामिल नहीं हो सकते। अब अगर बात करें 2025 के एशिया कप के बारे में, तो 2025 में एशिया कप का आयोजन भारतीय धरती पर होने वाला है और उसके बाद 2027 का एशिया कप बांग्लादेश में और साथ ही 2029 का एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। तो इसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा 2025 में होने वाले एशिया कप में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आगे आने वाले 2027 में एशिया कप होगा, जो कि वनडे फॉर्मेट में होगा, उसमें ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब अगर बात करें 2025 के एशिया कप के बारे में, तो इस एशिया कप में नई टीम इंडिया का चयन किया गया है और यह नई टीम इंडिया एशिया कप के लिए नहीं, बल्कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए तैयार की जा रही है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए पिछले एक साल में लगभग 7 खिलाड़ियों का चयन टीम इंडिया में हो चुका है। इन 7 खिलाड़ियों के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहले खिलाड़ी का नाम आता है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जो कि IPL में हैदराबाद की टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया में जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे खिलाफ डेब्यू किया है। इसके बाद इस साल डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में दूसरा नाम आता है रियान प्राग का। रियान प्राग जो कि IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए खेलते हैं। रियान प्राग एक बल्लेबाज होने के साथ साथ बॉलिंग में भी हाथ जमा देते हैं और रियान प्राग ने भी 2024 में जुलाई में जिम्बाब्वे खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। इसके बाद इस साल डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में नंबर 3 पर आते हैं ध्रुवे जोरियाल। ध्रुवे जोरियाल जो कि एक विकेटकीपर बैट्समैन है और जोरियाल ने जिम्बाब्वे खिलाफ जुलाई 2024 में ही डेब्यू किया है। आगे इस लिस्ट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के नाम में नंबर 4 पर आते हैं तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे एक फास्ट बॉलर है जो कि IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। तुषार देशपांडे का डेब्यू भी जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे खिलाफ ही हुआ है। आगे 2024 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में नंबर 5 पर आते हैं साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो कि IPL में लखनऊ की टीम के लिए खेलते हैं और साई सुदर्शन ने भी 2024 में जिम्बाब्वे खिलाफ ही डेब्यू किया है। यानी कि एक साल में इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज में 5 नए खिलाड़ियों को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है। आगे 2024 में ही डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 6 पे आते हैं नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी ने अपना डेब्यू मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। आगे इस साल 2024 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी लिस्ट में अंतिम नंबर पर आते हैं मयंक यादव। मयंक यादव ने भी 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू मैच खेला है। मयंक यादव एक फास्ट बॉलर है जो कि अपनी बॉलिंग के दम पर किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे आने वाले वर्ल्ड कप 2026 के लिए नई टीम इंडिया की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इसी तरह से आगे आने वाले साल में बहुत से खिलाड़ियों का डेब्यू मैच होना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि टीम इंडिया में कौन से खिलाड़ी को डेब्यू करना चाहिए। तो अब इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।